एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बद्दू से घोड़ा खरीदा और उसे जल्दी चलने को कहा ताकि आप घर पहुंचकर उसकी कीमत अदा कर दें। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी आगे बढ़ गए जबकि वह बद्दू पीछे रह गया। रास्ते में लोग बद्दू के पास आते और उसके घोड़े की कीमत लगाते। उन्हें ये मालूम नहीं था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही ये घोड़ा खरीद लिया है। एक आदमी ने घोड़े की कीमत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगाई हुई कीमत से ज्यादा लगाई, जिस पर उस बद्दू की नीयत खराब हुई। चुनाचे उस बद्दू ने जोर से चिल्लाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज दी और कहा कि अगर आपको यह घोड़ा खरीदना है तो खरीद लें, वरना मैं इसे दूसरे के हाथ बेच दूंगा। जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैंने तुझसे यह घोड़ा खरीद नहीं लिया है? उस बद्दू ने कहा कि नहीं नहीं, अभी बाय मुकम्मल नहीं हुई है। फिर उस बद्दू और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान बहस होने लगी। ये देखकर लोग उनके पास इकट्ठे हो गए। वो बद्दू कहने लगा कि आप इस बात पर कोई गवाह पेश करें कि वाकई मैंने आपके हाथ अपना घोड़ा बेच दिया है। जो मुसलमान भी उनकी गुफ्तगू सुनकर वहां आता वो बद्दू से कहता कि तेरा सत्यानाश हो, क्यों जिद करता है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहस मुबहसा कर रहा है? क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक के खिलाफ भी कोई बात करेंगे? इसी दौरान हजरत खुज़ैमा रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां आन पहुंचे। जब उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस बद्दू के दरमियान इस तरह की बहस और जिसमें उस बद्दू का ये कौल सुना कि आप इस बात पर कोई गवाह पेश करें कि वाकई मैंने आपके हाथ अपना घोड़ा बेच दिया है, तो वो कहने लगे कि मैं गवाही देता हूं कि यकीनन तूने अपना घोड़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हां फरोख्त कर दिया है। ये सुनना था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खुज़ैमा रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मुतवज्जा हुए और पूछा, आखिर तुम किस बुनियाद पर गवाही दे रहे हो जबकि घोड़े की खरीदो फरोख्त के वक्त तुम तो मेरे पास मौजूद ना थे? जिस पर हजरत खुज़ैमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तस्दीक की बुनियाद पर मैंने ये गवाही दी है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खुज़ैमा रजी अल्लाह तआला अन्हु की गवाही को दो आदमियों की गवाही के बराबर करार दिया। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक हजरत खुज़ैमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप जब आसमान की खबरें सुनाते हैं तो मैं आपकी तस्दीक करता हूँ, फिर क्या मैं आपके कौल की तस्दीक नहीं करूँगा?